नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर जमशेदपुर, घाटसिला, मुसाबनी, गमरिया समेत अन्य क्षेत्रों में व्यापक असर रहा। क्षेत्रों के बाजार लगभग बंद रहे, सड़कें सुनसान रही, जगह जगह कार्यकर्ता रैली निकाल केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। लगातार कार्यक्रम चल रहा है किसान एकजुटता मंच, और हमारी पार्टी ACCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इस आह्वान को समर्थन किया है। हम लोग भी कल मशाल जुलूस निकाले थे, आज इस बंद में हम लोग। क्या नाम है मैडम आपको? मेरा नाम है लिली दास, ACCI जिला प्रभारी। ये जो है किसान आंदोलन का जो है आज 10 महीना 11 दिन से है, कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार जो है अपना मनमानी कर रही है, उसी के विरोध में, किसानों की आवाज़ के विरोध में, समर्थन में हम लोग पूरा विपक्षी का भी है केंद्र सरकार का, आज हम लोग भारत बंद के लगे हुए हैं, भारत बंद को सफल बनाने के लिए। क्या नाम है आपका? रंजीत प्रधान। तीनों काला कानून को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है लीड लेते हुए राजद, CPI, इन तक सारे लोगों को लेकर के, सब दल, सारे सर्वदलीय जो है लेकर के आज का ये जो बंदी कराया गया है, और आज 100% पूरा भारत बंद है। क्या नाम आपका? मैं आदित्यपुर महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष संतोष सिंह। वही भारत बंद के दौरान घाटसिला के विधायक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के अध्यक्ष रामदास सोरेन अपने समर्थकों के साथ जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और बंदी का हाल जाना। बंद को सफल बनाने के लिए पार्टी के केंद्र सचिव शेख बदरुद्दीन, प्रमोद लाल, महावीर मुर्मू, श्यामल सरकार, रंजन सरकार, गुरमीत सिंह, फिरोज खान, मोहम्मद हुसैन, काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित है। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया है, जिसमें भारत पार्टी के महागठबंधन पूर्ण रूप से इस बंदी को समर्थन दिया, और आज पूरे हमारे जिला में सभी महागठबंधन के दल के लोगों के साथ मेरा बैठक हुआ, जिसमें आज की बंदी को किस तरह से सफल कराएंगे, जिसमें हम लोग सभी प्रखंड में इसका सूचना हम लोग भेज चुके हैं, जो आज पूरे सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम पूर्णतः से अपने आप में सभी व्यवसायी वर्ग लोग ने, दुकानदारों ने अपने आप से दुकान को बंद करके ये मोदी का रवाशाही, मोदी का हिटलर शाही को समाप्त करने का आज यहाँ का जनता ने निर्णय लिया, जो आज का बंद एक उदाहरण स्वरूप है। मांग क्या है आपकी सरकार से, केंद्र सरकार से आपकी मांग क्या है? मांग तो 10 महीना से किसान आंदोलन चल रहा है, उसको आज क्यों नहीं, आज उसका निराकरण कर रहे हैं? आज पेट्रोल का दाम 100 रुपये हो गया, डीजल का दाम 100 रुपये हो गया, जो मुफ्त में गैस बांटा था चुनाव के समय वोट लेने के लिए, आज शहरी क्षेत्र का मैं बात नहीं सकता हूँ, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र का 90% लोग गैस और गैस चूल्हा को अपना गुरु ग्वाल और कड़ा ग्वाल में टांग करके रख दिया, क्योंकि वो आज गैस को भराने के लिए 1000 रुपया देना पड़ता है। कहाँ से गरीब 1000 रुपया जुगाड़ करेगा कि गैस भरेगा? इसलिए केवल ये गैस देने का, गैस बांटने का चुनाव का वक्त था, इसलिए ये वोट लेने का एक षड्यंत्र था, और आज गैस चूल्हा में ग्रामीण क्षेत्र में 90% लोग उसको बेकार रख दिया है, इसलिए आज ये विरोध, इसका विरोध में जनता आज सड़क पर उतर चुकी है। लोग यहाँ का व्यवसायी है, यहाँ का कारोबारी है, अपने आप में बंद दुकान बंद करके, गाड़ी को बंद करके, अपने व्यापार को बंद करके ये मोदी का हिटलर शाही रवैये को समाप्त करने का आज ये बंदी का एक संकेत केंद्र में जाएगा, मोदी का पास जाएगा। 700 से केंद्र सरकार के द्वारा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हमारा निश्चित रूप से हमारा इसी के विरुद्ध लड़ाई है, इसी का विरुद्ध लड़ाई है, और निश्चित रूप से
हमारी महागठबंधन चुपचाप नहीं बैठी हुई है। हमारी महागठबंधन का मुख्य जो श्रीमती सोनिया गांधी है उसका नेतृत्व में उसकी अध्यक्षता में एक सप्ताह भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा घाटशिला पहुँचे और विभिन्न प्रखंडों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रूबलन मिशन के तहत चयनित कासिदा पंचायत में चल रही विकास योजनाओं का निरीक्षण किया, साथ ही प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य योजनाओं का भी निरीक्षण कर जानकारी ली। उनके साथ झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन, राज्य मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय मौजूद रही। इससे पूर्व हवाई मार्ग से पहुंचे चारों अधिकारियों का मवंडा स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। यहां से केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने मवंडा डायरेक्टर बंगला में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, एडीसी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठकर ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। यहां से अधिकारियों का काफिला कासिदा पंचायत के तमुकपाल पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ कल्याणी मैत्र के आवास का गृह प्रवेश कराया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने लाभ कल्याणी मैत्र को प्रमाण पत्र व उपहार भेंट किया। निरीक्षण के क्रम में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन, राज्य मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार, एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन, उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, एनईपी निदेशक ज्योत्सना सिंह, एसडीओ सत्यवीर रजक, मजिस्ट्रेट जय प्रकाश करमाली, वीडियो कुमार एस अभिनव, सीओ राजीव कुमार, ओपी प्रभारी सोनू कुमार समेत अन्य प्रशासनिक मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। तैयार कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में के सचिव हैं, सबसे बड़े ओहदे के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा जी का ये दिखाने के लिए लाए थे, तो दुर्भाग्यवश हम लोगों के पास में ज़्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि सुबह से दीदी लोगों के बीच में ही घूमते घूमते सारा चीज़ देखते हुए समय निकल गया। लेकिन हम इनको ये बता रहे थे कि आप लोगों का जो बना है पेन कल्चर जो यहाँ से दिख रहा है मैडम, तो ये पूरा 15 एकड़ का है एरिया और करीब 7000 स्क्वायर मीटर का जाल लगा करके ये बना। यहाँ पे मैं रर्बन परियोजना चल रही है उसको देखने के लिए आया था कि इस परियोजना में हमने कहाँ तक काम पूरा किया है और आगे कितना काम करना बाकी है। तो इसी के क्रम में जगह जगह पर जो भी कार्रवाई इसके जो दो भाग होते हैं, एक भारत सरकार से जिसको क्रिटिकल गैप फंडिंग कहते हैं और दूसरा कन्वर्जेंस जो सरकार की जो अन्य परियोजनाएं चलती रहती हैं उनके माध्यम से, तो इनमें कितनी प्रगति हुई है उसका जायजा लेने में आया हूँ। सर, ये झारखंड और ये घाटला जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर पर्यटन की काफ़ी संभावना है, तो कैसे परिवेश संस्कृति और पर्यटन को जोड़ने किस तरह का विकास किया जा रहा है, किस तरह की बातों को? हम मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा विषय है, पर इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं कि संथाली संस्कृति को ग्रामीण संस्कृति के साथ, ग्रामीण परिवेश के साथ जोड़ के एक ऐसे माहौल बनाने की कल्पना की जा रही है जिससे कि जो शहर के लोग हैं वो ग्रामीण संस्कृति, वो खास के इस क्षेत्र की जो संस्कृति है, यहाँ के जो जनजाति निवासी हैं उनकी संस्कृति का अनुभव कर सकें और उसमें न सिर्फ जो उनके नृत्य गीत संगीत इत्यादि हैं बल्कि जो उनका आर्किटेक्चर है उसको भी देख सकें, जो उनके रहने सहने का तरीका है वो भी देख सकें, उनके खाने पीने का जो सामग्री है उसका अनुभव कर सकें। तो कुल मिला के एक कंप्लीट एक्सपीरियंस दिए जाने की कल्पना इस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो यहाँ पर ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है, चाहे वो सड़क हो या और भी सारी चीज़ें दीदी वाड़ी वगैरह की चलाई जा रहा है, उनका भी निरीक्षण आप कर रहे हैं, किस तरह के यहाँ पे देखा जा रहा है? देखिए, जो मुझे खुशी है कि जो NRLM और उससे जुड़े हुए कार्यक्रम हैं उसमें तो काफ़ी अच्छी प्रगति मुझे दिख रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अच्छी प्रगति मुझे दिख रही है। मैंने ये जरूर निवेदन किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को सिर्फ घर उपलब्ध कराने का माध्यम न समझें बल्कि
वो गरीबी हटाने का एक मौका के रूप में देखें और सभी प्रकार की योजनाओं से उसका कन्वर्जेंस या अभिसरण करके उस व्यक्ति को गरीबी से ऊपर उठाने की कार्रवाई करें। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं विभिन्न कार्यक्रमों से, खासकर स्वयं सहायता समूहों से, तो उनमें से हर एक व्यक्ति की आजीविका का विस्तार हो। आज अगर एक आजीविका कर रहे हैं तो दो आजीविका हो, अगर दो कर रहे हैं तो तीन हो। दूसरा, ये संगठित हो, क्योंकि संगठित होने से फिर जो बाग खरीदना है उसमें थोड़े सस्ता खरीद सकते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का खरीद सकते हैं, दूर जाके खरीद सकते हैं, और फिर इसी प्रकार से मार्केटिंग वगैरह में उनको मदद मिलती है। क्योंकि अगर अकेले आप करेंगे तो छोटा मार्केट, नज़दीक का मार्केट देख पाएंगे, अगर बड़े होंगे तो आप दूर का मार्केट देख पाएंगे, ज़्यादा आप पैसा उसके लिए प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा, जो आजीविकाएँ उनके डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो सिर्फ खेती पे नहीं निर्भर है कि खेती प्लस जो एनिमल हस्बेंड्री है या हॉर्टिकल्चर है, तो इस तरह के सभी को हम जोड़ें। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम जुड़े हुए हैं उनको हम अपने कार्यक्रमों के साथ कैसे जोड़ें, जिससे कि हर व्यक्ति को जिसके लिए वो हकदार है वो उसको प्राप्त हो सके। और जो पांचवी बात जो मैंने देखी और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर लोग, खासकर कासीदा CLF बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, वो ये था कि जो ग्राम पंचायत विकास योजना बन रही है उसमें स्वयं सहायता समूह के लोग हर व्यक्ति का, हर परिवार जो उनसे जुड़ा हुआ है, उसकी जो जो ज़रूरतें हैं उसको उसमें योजना में शामिल करा के उसका प्राथमिकता निर्धारण कर रहे हैं। जो सबसे गरीब हैं उनको सबसे उच्च प्राथमिकता पर रख रहे हैं। तो ये इस प्रकार का कन्वर्जेंस भी बड़ी अच्छे तरीके से हुआ है और ज़्यादा हमारे अपेक्षा है, लेकिन अभी भी जो मैंने देखा उसमें मुझे काफ़ी संतोष हुआ है। 2016 तो मैंने आपको बताया कि जो आजीविकाएं हैं उनके डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। हर परिवार को 2, 3, 4 जितनी आजीविकाएं जुड़ सके, क्योंकि जो यहाँ पर लोग हैं उनके पास इतना संसाधन नहीं कि एक आजीविका पर ही सिर्फ निर्भर रह सकें। तो अगर खेती कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पशुपालन भी करें, मधुमक्खी पालन भी करें। तो और उसके अलावा मैंने आपको भी बताया कि ये संगठित हों, संगठन के माध्यम से, जो बाहर इसको बड़े पैमाने पे कहा जाता है वैल्यू चेन, तो वैल्यू चेन में ज़्यादा बड़ा हिस्सा ले सकें। बहुत सारी सारे काम लोग कर रहे हैं पर उसको बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है। अगर आप छोटे स्केल पे काम करेंगे तो उसका उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, अगर स्केल आप बड़ा कराएंगे तो आपको लाभ मिल पाएगा। जैसे अगर मान लीजिए पोल्ट्री कर रहे हैं, अगर एक आदमी सिर्फ अपने लिए पोल्ट्री कर पा रहा है तो उसके लिए इनपुट लाने में दिक्कत है, चारा अगर लाना है चारा दिक्कत है, उसके लिए वैक्सीनेशन अरेंज करना वो डिफिकल्ट है। पर अगर ग्रुप के रूप में होता है तो ये चीज़ें कराना आसान होता है। तो ये अलग अलग आयाम हैं और मुझे लगता है कि ये विकास की प्रक्रिया है। थोड़ा टाइम तो लगा है और शायद अगर जल्दी करते तो और अच्छा होता, बट अभी जो दिशा दिख रही वो सही है, गति जरूर बढ़ाने की ज़रूरत है। हेरिटेज विलेज है, इसके वजह से कि यहाँ टूरिज्म आए, क्योंकि पश्चिम बंगाल से काफ़ी हज़ारों की संख्या में प्रतिवर्ष टूरिस्ट आते हैं जी। लेकिन सर यहाँ तक सुविधाएं उपलब्ध है, क्षेत्र के अन्य टूरिज्म स्पॉट जो है उसकी स्थिति काफ़ी सुविधाएं विहीन है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है असर पड़ेगा इस पर। क्या सोचती है कि आज उन टूरिज्म स्पॉटों को भी बेहतर बनाने के लिए कोई योजना? मैं इसके बारे में विशेष कहने में असमर्थ हूँ। अभी मुझे उपायुक्त महोदय से जो बात उस कमरे में चल रही थी उससे मुझे लगा कि उनकी भी योजना है, पर मुझे लगता है कि इससे बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं तो हम प्रारंभ करेंगे, अगर प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और जो अपने पास निवेश है वो तो कोई ऐसा कुबेर का खजाना तो होता है नहीं है, तो कहीं तो हम स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। सर,